हेलो डी स्टूडेंट्स, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर से काफ़ी बड़ी इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए आ रही है। जी हाँ स्टूडेंट, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के द्वारा आपके बैक पेपर व इम्प्रूवमेंट का एग्जामिनेशन फॉर्म की डेट जारी कर दी गई है। जी हाँ स्टूडेंट, जिन स्टूडेंट्स को अपने लास्ट ईयर में कर सकते हैं, कि चाहे आप यूजी थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हों, चाहे आप पीजी सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हों, उन सभी स्टूडेंट्स को अगर अपने लास्ट ईयर एग्जाम में किसी पेपर में इम्प्रूवमेंट या बैक पेपर का फॉर्म फिल करना है, तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के द्वारा एग्जामिनेशन फॉर्म की डेट जारी कर दी गई। आइए स्टूडेंट, आज हम लोग इस पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि कब से कब आपकी एग्जामिनेशन डेट होने वाली है और कितने रुपये फी आपको पर पेपर आपको सबमिट करने होंगे। जैसा आप सबको हम बताएं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यदि कोई भी स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इम्प्रूवमेंट फॉर्म कब फिल कर सकता है, इम्प्रूवमेंट फॉर्म बैक पेपर फॉर्म आप भी फिल कर सकते हैं जब आप किसी भी एक सब्जेक्ट के एक पेपर में कम नंबर पाए हों और आप उस नंबर को इम्प्रूव करके और अच्छा नंबर पाना चाहते हैं, देन आप वहां पे इम्प्रूवमेंट का फॉर्म फिल कर सकते हैं। यदि आप एक से अधिक सब्जेक्ट में कम नंबर पाए हैं या कम नंबर कहने का सेंस यहां पे फेल से है, तो यदि आप 33% से कम नंबर पाएँ, देन आप इम्प्रूवमेंट का फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। ये बात में आप ध्यान रखिएगा। आइए यहाँ पे देखिए, कुछ पॉइंट्स पहले लिखा हुआ दिशा निर्देश हम पढ़ते हैं, दिन हम जानने की कोशिश करेंगे आपकी जो इम्प्रूवमेंट डेट है वो पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के द्वारा एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने की कौन सी डेट निर्धारित की गई है। यहाँ पे देख सकते हैं कि शैक्षणिक सत्र नियमित किए जाने, समयांतर पूर्ण मूल्यांकन एवं परिणाम घोषित किए जाने के दृष्टिगत आवेदन की तिथि किसी भी दशा में विस्तारित नहीं की जाएगी, अतएव निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार समस्त कार्रवाई पूर्ण करना सुनिश्चित करें। यहाँ पे देख सकते हैं जो आपकी परीक्षा कार्यक्रम कॉलेज के द्वारा निर्धारित की गई यूनिवर्सिटी के द्वारा, वहाँ पे बताया कि किसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया है, जो निर्धारित कार्यक्रम है उसी के अनुसार सारा कार्य होना है। आप यहाँ देख सकते हैं कि बैक पेपर व इम्प्रूवमेंट परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क 600 रुपये प्रति प्रश्न पत्र, यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको प्रति प्रश्न पत्र 600 रुपये आपके यहाँ पे लगने वाला है। यदि आप एक पेपर में इम्प्रूवमेंट देते हैं तो आपको 600, दूसरे दो पेपर में देते हैं देन आपको 6×2 आपको 1200 रुपये देने होंगे। यहाँ पे देखिए पॉइंट नंबर 6 क्या लिखा हुआ, 3 कि वार्षिक परीक्षा से 2022-23 स्नातक BA BSc तृतीय वर्ष, आप देख सकते हैं कि BA BSc BCOM के जितने भी तृतीय वर्ष की परीक्षा थी, अपने एक विषय के समस्त प्रश्न पत्रों अथवा दो विषय के अधिकतम 3 प्रश्न पत्रों की बैक पेपर अंक प्रतिधार परीक्षा के लिए जनपद जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, प्रयागराज के परीक्षार्थी आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे जैसा हमने अभी बताया किसी भी एक सब्जेक्ट के एक पेपर में, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि आप किन्हीं भी दो विषय के अधिकतम 3 पेपर, मतलब कर सकते हैं कि किन्हीं भी दो विषय के अधिकतम 3 पेपर में आप इम्प्रूवमेंट या बैक पेपर का फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट देख सकते हैं कि BCOM तृतीय वर्ष के परीक्षार्थी अपने मुख्य परीक्षा के एक समूह के दो प्रश्न पत्र अथवा दो समूह के एक एक प्रश्न पत्र में बैक पेपर व अंक सुधार परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि पॉइंट नंबर फाइव में आप देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पर स्नातक BSc कृषि चतुर्थ वर्ष के परीक्षार्थी अपने मुख्य परीक्षा के लिए अधिकतम 2 प्रश्न पत्रों में बैक पेपर अंक पर सुधार में सम्मिलित होने का आवेदन कर सकते हैं। कहने मतलब जितने भी BSc एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हैं फोर्थ ईयर के, वो क्या मैक्सिमम 2 पेपर में इंप्रूवमेंट का फॉर्म फिल कर सकते हैं। स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष परीक्षा 2023 में जनपद जौनपुर, गाजीपुर, प्रयागराज के परीक्षार्थी अपने मुख्य परीक्षा 2023 में संपन्न कराए गए परीक्षा के चुने हुए प्रश्न पत्रों में से केवल एक ही प्रश्न पत्र में आप आवेदन कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें जितने भी पीजी के स्टूडेंट्स हैं, तो वहाँ पर सिर्फ एक ही प्रश्न पत्र में एक ही पेपर में वो अपना इंप्रूवमेंट या बैक पेपर फॉर्म फिल कर सकते हैं। मुख्य परीक्षा 2023 में सम्मिलित इच्छुक छात्र बैक पेपर अंक सुधार परीक्षा हेतु आवेदन करना सुनिश्चित करें, इसके अतिरिक्त उन्हें बैक पेपर अंक सुधार परीक्षा हेतु कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। ऐसे स्टूडेंट जो इंप्रूवमेंट बैक पेपर फॉर्म फिल करना चाहते हैं, वो अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर दें, इसके बाद आपको किसी भी प्रकार का कोई भी आवेदन का मौका नहीं मिलने वाला है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे काफी बड़ी इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए दिया जो हम आपको पॉइंट टू पॉइंट समझा रहे हैं। परीक्षार्थी बैक पेपर यदि मुख्य परीक्षा में कम अंक प्राप्त करता है तो उसे मुख्य परीक्षा का ही अंक प्रदान किया जाएगा। यहाँ पे बहुत से बच्चों के अंदर ये काफ़ी डाउट्स आता है कि यदि हम इंप्रूवमेंट में कम नंबर पा गए दिन क्या होगा। यदि आप ध्यान रखिएगा, यदि आप इंप्रूवमेंट में जो नंबर आपने पाया उससे कम नंबर पाते हैं, तो जो आपका पहले से नंबर है वही नंबर आपको दे दिया जाएगा। कहने का मतलब, यदि आपने एग्जाम में हम मान लेते हैं कि 100 नंबर का फॉर्म एग्जाम था, आपने वहाँ पर 50 नंबर पाया हुआ है, अब आपने इंप्रूवमेंट का फॉर्म फिल कर दिया, अब इंप्रूवमेंट फॉर्म फिल करने के बाद यदि आपने एग्जाम के बाद 40 नंबर पाया, देन आपकी जो मार्कशीट होगा वो 50 नंबर का दे दिया जाएगा। यदि आप वहाँ पे 72 या 80 नंबर पाते हैं, देन आपको 50 से अपडेट करके 60 या 70 नंबर करने का, मतलब इंप्रूवमेंट फॉर्म फिल करने का सिर्फ फायदा ही फायदा है, लॉस कुछ नहीं है। यदि आप नंबर कम पाते हैं तो जो आपका पहले का नंबर रहेगा वही दे दिया जाएगा, और यदि आप ज़्यादा नंबर पाते हैं देन आपको ज़्यादा नंबर दे दिया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, बैक पेपर व अंक पत्र सुधार परीक्षा में छात्र उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण होने के संबंध में मुख्य परीक्षा का ही नियम लागू होगा। जैसे आपको मेन एग्जाम में इम्प्रूवमेंट हुआ है, बैक पेपर का परीक्षा फॉर्म में जो भी रूल्स फॉलो किया गया था, 33% आपको पास मार्किंग होता है, उसी प्रकार आपके बैक पेपर में होगा। पर्यावरण राष्ट्रीय गौरव में अंतरण अनुपस्थित छात्र छात्राओं भी परीक्षा फॉर्म में शुल्क जमा करके परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए काफ़ी बहुत रिलैक्सेशन दिया गया आप लोग को कि बहुत से बच्चे पर्यावरण और राष्ट्रीय गौरव में अभी तक एग्जाम पास आउट नहीं कर पाए, तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बार पुनः मौका दिया गया है। यदि आप किसी भी कारणवश इंप्रूवमेंट या एग्जामिनेशन यहाँ पे पर्यावरण और राष्ट्रीय गौरव का नहीं पास कर पाए, आप अब्सेंट हैं, देन आप यहाँ पे उसका शुल्क जमा करके आप उसको पास आउट हो जाइए। बैक पेपर और अंक सुधार परीक्षा 2023 पूर्व
परीक्षा फॉर्म के साथ मूल अंग पत्र संकलन करना अनिवार्य होगा। इसके अभाव में आवेदन फॉर्म निरस्त कर दिया जाएगा, जिसका समस्त उत्तरदायित्व भारतीय महाविद्यालय का होगा। यदि हम देखिए यहाँ पे भी एक पॉइंट हमारे पास दो बच्चों ने कमेंट किया था, सर क्या इंप्रूवमेंट फॉर्म फिल करते टाइम हमको अपनी ओरिजिनल मार्कशीट भी जमा करनी होगी? जी हाँ स्टूडेंट्स, आप यदि इंप्रूवमेंट का फॉर्म फिल करें देन आपको अपनी ओरिजिनल मार्कशीट जमा करना पड़ेगा, देन आप इंप्रूवमेंट का फॉर्म फिल करेंगे। अगर ऐसा आप नहीं करेंगे तो आपका फॉर्म जो होगा वो यूनिवर्सिटी के द्वारा निरस्त कर दिया गया। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप सबके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आइए अब हम लोग बात करते हैं कि जो इंप्रूवमेंट डेट आपकी यूनिवर्सिटी के द्वारा निर्धारित की गई है कि एग्जामिनेशन फॉर्म आप किस डेट से किस डेट तक फिल कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पूर्वांचल विश्वविद्यालय के जो आपकी प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया वहाँ पे आप परीक्षा फॉर्म फिल करने की जो तिथि है वो आपकी 4 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक आपका एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने की डेट है। आप महाविद्यालय में 6 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक आप अपने कॉलेज में जमा कर सकते हैं जो भी परीक्षाएं शुल्क आपके निर्धारित की। आपको पर पेपर 600 रुपये इंप्रूवमेंट का फॉर्म 600 रुपये प्रति पेपर आपको एग्जामिनेशन फीस देनी है। यदि आप 3 पेपर में फिल करते हैं तो आपको 1800 रुपये, 2 पेपर में फिल करते हैं तो 1200 रुपये और 1 पेपर में फिल करते हैं तो आपको 600 रुपये देने होंगे। ये काफ़ी बड़ी इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए आ रही है, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और यदि किसी प्रकार का फर्दर कन्फ्यूजन होती है देन आप हमारे साथ कमेंट कर सकते हैं या हमारे कमेंट बॉक्स में या हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है हम आपको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।